चैनल के माध्यम से मैं पूरे लद्दाख के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत बड़े नंबर्स पर जो है हर लद्दाख के कोने से जो है लोग मेरे सपोर्ट में आज यहाँ पे मेरे नॉमिनेशन फाइलिंग में मेरे साथ यहाँ पे आया है, तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। बाकी जो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब की बात है, वो आज शायद उनका कुछ थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, बाकी उनसे हमारे बातचीत चल रहे हैं। मैं सुबह जो है वो हमारे नेता है, मैं यहाँ आने से पहले जो है मैं उनके घर जाके उनको खतक चढ़ा के जो है उनसे मैं मिल आया हूँ। तो हमें पूरा उम्मीद है जो है हमारा जो भी जो है थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस है वो आपको जो है आने वाले दिनों में वो दूर होते हुए नजर आने चाहिए। सर, जिस तरह से दो फैन क्लब्स देखने को नजर आ रहे हैं और वही जेटीएन के सपोर्टर्स ने ये भी कह डाला कि ये एमपी जो है वो खरीदा गया है, इस पे पैसे दिया गया है, उस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए फैन क्लब तो जो है खाली जेटीएम और टैशी गैल्सन का फैन क्लब नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे और भी नेता हैं, उनका भी फैन क्लब बना हुआ है और हमारे ऑनरेबल काउंसलर के फैन क्लब है। लेकिन अभी ऐसा है, इन सभी हमने तो अक्सर हमने ये कहा कि इन सभी जो भी जो फैन क्लब है वो हमारे जो फैंस है उन्होंने बनाया है, कोई हमने नहीं बनाया है। तो उसमें अलग अलग सोच विचार के रखने वाले लोग भी है, तो कुछ जो है जानबूझ के जो है परेशानियां क्रिएट करके जो है कुछ भी पर्पस जो है इस तरह के जो है वहाँ पे जो है बातचीत बातें जो है वहाँ पे करते हैं, और रूमर्स भी बहुत सारे वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, तो उन सभी में नहीं जाना चाहिए। जब तक कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक जो है कोई आपके जो है कोई जो सोशल मीडिया चैनल्स ना हो, तो तब तक उन सभी चीजों पर विश्वास नहीं रखना। सर, जिस तरह कल जमीन सिंह नमजल ने फॉर्म ले लिया सर, तो उसपे क्या आपका भारतीय जनता पार्टी की क्या रिएक्शन? कोई नहीं, फॉर्म तो हर कोई लेते हैं, फॉर्म लेने से क्या होता है जी, बाकी अभी हमारा बातचीत चल रहा है, हमें पूरा उम्मीद है हमारा रेजोल्यूशन जो भी होगा, थोड़ी बहुत अगर डिफरेंसेस है तो वो भी हम दूर करेंगे। गणेश कंट्रोल हो पाएंगे सर? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, वो हमारे पार्टी के नेता है। सर, यूनियन मिनिस्टर आने के बाद आपको आज स्कीपिंग तो यहाँ होने से अच्छा नहीं होता पार्टी के लिए? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसमें बहुत और भी उनके पर्सनल रीजंस भी है, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी वो उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने भी मुझे बेस्ट विशेष करके खतक्स बनाया। मैं यहाँ आने से पहले हमारे जो है लीडर्स के साथ जो है मैं उनके घर गए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने गए हैं, उनको भी मैंने अपना जो है खतक्स उनको मैंने पहनाया, और उन्होंने भी जो है मुझे रिटर्न में जो है बेस्ट विशेष करते हुए खतक्स पहनाया। मुझे पूरा उम्मीद है जो मैं चाहिए। देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया, मैंने हर जगह जहाँ पे भी मैं बात करता हूँ, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इस पूरे चुनाव का जो मैनिफेस्टो बोले या मेरे पर्सनल प्रॉमिसेस आप बता सकते हैं, मेरा ये है कि डायलॉग जो अभी थोड़ा बहुत जो स्टैंड स्टिल हुआ है, डीरेल भी मैं नहीं कहूंगा, अभी रुका हुआ है इलेक्शन के वजह से, एमसीसी अभी इफेक्ट में है, तो उसमें सरकार कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो ही जो है नया सरकार बनेगा, मुझे पूरा उम्मीद है लद्दाख से जो है भाजपा के जो कैंडिडेट आज मैं हूँ, मुझे चुन के लोग भेजेंगे, पूरा मुझे उम्मीद है कमल लद्दाख से दोबारा खिलेंगे। तो मेरा जो है पहला जो है मेरा फोकस जो है ये डायलॉग को मुझे रेज्यूम कराना है, और वंस फॉर ऑल जो है इन सभी के ऊपर हमें रेजोल्यूशन बोलना है, और इसके लिए जो है मुझे पूरा उम्मीद है हमारे सभी लोग जो है इसमें जो है जुड़ेंगे, हम आपस में पहले डिस्कस करेंगे, एक रोड मैप तय करेंगे, और लद्दाख के लिए क्या वाइबल सॉल्यूशन होगा हम उसके ऊपर काम करेंगे। और मेरा मैं डेवलपमेंटल ये करूंगा वो करूंगा, रोड से सारा बनते रहेंगे, हमारे काउंसिल की तरफ से बनाएंगे, हमारे पास भी बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है हमें बहुत बजट दिया है, हमारे हर कोने में काम चल रहा है, तो डेवलपमेंटल की दृष्टि से मुझे चिंता करने के विषय नहीं है, मेरे कलीग काउंसिल में जो है उनको अच्छी तरह से संभालेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मेरा जो है चिंता का विषय है कि जो अर्ली रेजोल्यूशन टू द इश्यूज
जो अभी तक अभी पेंडिंग पड़ा है, तो इसके ऊपर जो है मैं हमारे पूरे जो नेता है लद्दाख के जो है जो बड़े बड़े दिग्गज नेते हैं, हमारे जो है स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो हेड है और पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंस लोग हैं, वो भी लद्दाख के ही लोग हैं, सबको एक टेबल पर बैठने की आवश्यकता है और सबसे एक ओपिनियन लेके डिस्कस करके जो भी एक वायबल सोल्यूशन होगा उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है इसमें मुझे सहयोग सभी का मिलेगा, क्योंकि लद्दाख और लद्दाख के लोगों के हित में है, तो मुझे पूरा उम्मीद है और ये काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में ही पूरा हो सकता है। थैंक यू।